कार में रीमा प्रसाद, हमास के साथ चल रहा युद्ध अब किस ओर जाएगा, इस पर दुनिया भर की नजर है। हमास के हमले के बाद इसराइल को जिस तरह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन मिला वो ऐतिहासिक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो मुस्लिम देशों में विरोध और नाराजगी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कहने को वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन अब तक उन्होंने खुलकर ग्राउंड जीरो पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे फिलिस्तीनी नागरिकों को लगे कि उनके पीछे अरब के देश खड़े हैं। इन सब के बीच रूस और चीन की चुप्पी भी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका की डिप्लोमेसी फ्लॉप हो चुकी है? क्या अमेरिका को पश्चिम एशिया के देश चैलेंज कर रहे हैं? ये है आज का सुलगता हुआ सवाल। I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. दुनिया की निगाहों में इस वक्त ये युद्ध है और मेरे साथ इस वक्त जो पैनल में जुड़ रहे हैं उन मेहमानों का सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, फिर एक एक करके सवाल लूंगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे जुड़ेंगे, और इस वक्त कमांडर जीजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती देश मामलों के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। जब रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तो उस वक्त पश्चिमी देशों का मामला, नेटो देशों का मामला, लेकिन जब इस वक्त हम इसराइल और हमास के युद्ध की बात करते हैं तो दुनिया दो तरफ हो चुकी है, एक तरफ यूरोपियन कंट्री और अमेरिका और एक तरफ अरब के देश, ये बीच की स्थिति क्या है? देखिए, अरब देश में भी डिवीजन है। सब लोग खुल के निंदा तो वो कर ही रहे हैं, पर वो फिलिस्तीन को जमीनी तौर पे उनकी तरफ से कोई खास मदद नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सारे अमेरिका के भी दोस्त हैं, एलाइज भी हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और इनमें से कई हैं, इनके साथ तो उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स के अंदर सब रिश्ते बना लिए हैं, इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना लिए, और उधर ईरान है जो दूसरे कोने में है, जो कह रहा है सब मुसलमान देशों को कि आप लोग यू कट ऑफ रिलेशंस विद इसराइल, सब उनको तेल मत दीजिए, फलाना मत दीजिए, उनसे ट्रेड मत करिए, मतलब एकदम एकदम ऑपोजिट एंड पे वो है कि एकदम बहिष्कार करो इसराइल का, ये उनकी पोजीशन है। और उधर अरब देशों में उनको फिकर है क्योंकि जो जनता है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, पैलेस्टाइन के साथ, तो उनको जैसे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, सिर्फ अरब देश में नहीं, कई जगह हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो रहे हैं, जहां भी मुस्लिम मूल के लोग रहते हैं, तो वो लोग, तो ये एक इस्लामिक इशू बना दिया है इन्होंने कि पैलेस्टाइन सारे मुसलमानों के लिए एक इशू है, उम्मा का इशू है, जो भी मतलब उनका जो लॉजिकल पोजीशन है, इसलिए उनको सपोर्ट करना है और इसराइल के खिलाफ खड़ा होना। पर अमेरिका जो जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है वो बेसिकली अभी थोड़ा बहुत तो खैर डिप्लोमेसी का वहां पे गुंजाइश है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह इसराइल राजी हो गया है जो रफा बॉर्डर से अंदर आएगा, और मुझे लगता है काफी काफी जगह से ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा, क्योंकि एक बात तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारे पैलेस्टीनियन बीच में पिस गए हैं हमास और इसराइल के बीच में, और वहां पे जो हालत है वो बहुत बुरा हालत है, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन एड को वहां देना तो ये उचित होगा, और मेरे ख्याल में अब इसराइल राजी भी हो गया है। एक चीज और, इसराइल शायद राजी हो गया है कि ग्राउंड ऑफेंसिव टू ऑक्यूपाई गाजा वो शायद नहीं करेंगे, पर वो कमांडो रिपोर्ट वगैरह करेंगे। मैं आपके पास आती हूँ जीजे सिंह रक्षा